मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूरा जो है माहौल गरमाया हुआ है और ये समझो कि चुनाव का माहौल है जी सर। और ये बड़ा चुनाव है, इसमें सभी लोग अपने अपने जो है विकास को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये 7 तारीख को वोटिंग होनी है जी, तो सभी मतदाता जो तैयार है तो क्या विकास लेकर के आप वोट करोगे? देखो मेरे यहाँ तो कांग्रेस का है, कांग्रेस को हम लोग वोट देंगे, सारे लोग देंगे और कांग्रेस हरदम जीता था ये जीती रहेगी। क्या कांग्रेस की क्या अच्छाई लगी जो कि मोदी जी की सरकार में वो चीज आपको अच्छी नहीं लगी? मोदी जी की सरकार में जो अच्छी लगी, बेरोजगार भर रहे जे बैठे पकौड़े तले, क्या करें? कांग्रेस की सरकार रोटी तो खा रहे थे, जामुन और मिर्च नहीं खा पा रहे, शिक्षा नहीं मिल रही, क्या करे? परेशानी जो है और कांग्रेस की सरकार में जो परेशानी आती। क्या नाम बताया? राजेश शर्मा। तो राजेश शर्मा जी ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा, यहाँ पर स्थिति ये है कि मैं कांग्रेस को वोट करूँगा। इसका रीजन यह है कि जो भाजपा सरकार रही है उसमें एक तो बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर रही है, और भी मैं चर्चा करूँगा यहाँ पर शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा भी इस तरीके से रही यहाँ पर कि शिक्षा अगर बात करें यहाँ पर कि जो गरीब तबके जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको शिक्षा यहाँ पर नहीं मिल पा रही। क्या आपका यही कहना रहेगा? हाँ यही कहना है। क्या शिक्षा में क्या दिक्कत है? क्या जो शिक्षक हैं क्या उनकी वेतन जो है कम हो गई क्या? अब जी क्या मालूम सर, हमको कम हो गई या ज्यादा हुई है, तो शिक्षा नहीं मिल रही बच्चों को, जी बात है। पढ़े लिखे बच्चे भी है, लोगों का तो कहना रहता है कि ये मोदी जी जो है, मोदी जी है तो देश है, मोदी जी है तो देश है। कहा कि मोदी जी है देश है, कुछ नहीं, जैसे सब गलत है कहना। अच्छा, तो आपने देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। उनकी क्या अच्छाई लगी? उनके सारी अच्छाई उनमें, 70 साल आजकल उन्होंने जनता दुखी नहीं हुई, जब मैं 10 साल में भीख मांग गई। अच्छा, नमक मिर्च नहीं खा पा रहे। ऐसी क्या कमी रह गई थी कांग्रेस की जिसके वजह से कांग्रेस का राज छिन गया? जो तो बेईमानी से। अच्छा, ये भी बेईमान, जनता तो खूब कांग्रेस को दे रही। अच्छा, खूब दे रही जनता, सोट के दे रही। आपको लगता है इस बार ईमानदारी होगी? अब देखो ईमानदारी तो कांग्रेस है। अभी मैं शर्मा जी से बात कर रहा था, और भी लोग बाग जुड़े हैं, मैं बात करूंगा। भैया क्या नाम रहेगा आपका? हमारा नाम गिरजा शंकर। किस गांव के निवासी हैं? पूरा नाम बताइए। अटरा। हाँ, गिरजा शंकर जी पूरा नाम बताइए। जाटव जी, मैं जाटव मोहल्ले में खड़ा हूँ। हाँ, जाटव मोहल्ले में। मैं बात कर रहा था, यहाँ पर 7 तारीख को जो है चुनाव होने वाला है, तो क्या विकास लेकर के आप जो है वोट करोगे? कांग्रेस को करेंगे, कांग्रेस ही। क्या विकास अच्छा रहा कांग्रेस का? कांग्रेस का अच्छा रहा, जहाँ कोई भाजपा से तो बिल्कुल खेले खत्म है यहाँ। तो क्या भोजन का क्या गलत रहा है? ना भोजन, हम तो शुद्ध कांग्रेस ही है। तो क्यों करेंगे कांग्रेस का, ये तो बता। कांग्रेस से अच्छा ही है, कांग्रेस से फायदा है। हाँ, क्या फायदा रहेगी कांग्रेस से? जो फायदा है कि साहब कौन जहाँ भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचारी मची, लोगों का ये कहना रहता है कि 1 रुपये भी सरकार डालती है आपके सीधा खाते में जाते, फिर भी भ्रष्टाचार होता है। कैसे भ्रष्टाचार है? तो दादा वाले मची हुई तो साहब। यहाँ पे और भी लोग बाग जुड़े हैं, मैं बात करूंगा दादा से। दादा क्या नाम है आपका? बिंदे। दादा बिंदे जाटव जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ, यहाँ पर जो 7 तारीख को वोटिंग होने वाली है, जो 7 तारीख को वोटिंग होने वाली है, तो क्या विकास लेकर के आप जो है वोट करोगे? अब समझ तो लाइए आप। क्या नहीं, आप आपका भी कोई मत होता है? नहीं भाई, है मत बन जाए। नहीं, ये नहीं कह रहे हम कि किसको दोगे आप। मैं तो ये कह रहा हूँ क्या विकास लेकर के आप वोट करोगे? जो सब बताना सब बता रहे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, मेरा तो पंजाबी विकास है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और भी दादाजी मेरे बीच जुड़े हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा। दादा क्या नाम रहेगा? हम नहीं कह पाएंगे, हम सीधे आदमी। दादा आप सीधे आदमी हो? हाँ। आप वोट डालने जाओगे कि नहीं? डालने जाओ। तो आपको विकास अपने मन में विचार तो आया होगा, हमारा ये विकास अच्छा होना चाहिए, उसके लिए मैं वोट करूंगा? हम तो जानते नहीं। अच्छा, जानते सीधा। तो इस तरीके से क्या नाम बताया आपने? हमारा रामनवास। किसको वोट देना चाहते हो आप? हम जानते नहीं। पंजाब को दोगे कि फूल को दोगे? पंजाब जाम फूल पे, फूल पे। तो अभी देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा इन्होंने कि हम कुछ जानते नहीं है, फिर भी हम देंगे किसी न किसी को, लेकिन फिर भी हम फूल को भी दे सकते हैं। और भी युवा हमारे बीच जुड़े हैं, मैं उनसे ही बात करूँ। भैया आ जाओ। शिक्षा तो ठीक है, ज्यादा और सुधार। और भी ऐसा क्या विशेष होना चाहिए जो कि सरकार कर सके, जो भी सरकार बैठे वह ये कार्य कर सके? यहाँ आप लोग जी, जैसे विशेष को यहाँ टावर की समस्या है जी, टावर की टावर की समस्या का समाधान हो तो 18 में अच्छे वोट मिलेंगे सरकार को। तो इस प्रकार मैं अभी भैया जी से बात कर रहा था, अभी दादाजी जुड़े हैं हमारे बीच और सभी तैयार हैं, और बिल्कुल अच्छा लगता, मैं उनके गांव में आया और गांव से भी चर्चा करने के लिए। दादा क्या नाम रहेगा आपका? प्रीमान सिंह। मान सिंह जी, आप किस गाँव के निवासी हैं? क्या नाम रहेगा? अटरा के निवासी। पूरा नाम क्या रहेगा? मान सिंह जाटव। मान सिंह जाटव जी, मैं आपके गाँव में आया यहाँ पर, और अब बस 7 तारीख को वोटिंग होनी है,
मतदाता सब जागरूक हो चुके हैं और जागरूक होकर के सब तैयारी कर रहे हैं, तो क्या विकास लेकर के आप क्या मुद्दा लेकर के आप वोट करोगे? यही मुद्दा है, काम सही अच्छे हो रहा है, शासन दे रही है, सब पैसा दे रही है, खाद्यान्न दे रही है, सारी चीज़ें दे रही है, उसकी लाभ ले रही है जनता। लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार में ज़्यादा लाभ था। नहीं, कोई लाभ नहीं मिला वहाँ, बेरोजगारी फैल रही है। पहले उन्होंने पहले कहा था हम किसान वो आपका ऋण माफ़ करेंगे, 2 लाख का किया उन्होंने, पहले 6 महीना बन गए थे, मैंने कहा ये कही थी 4 दिन बाद 5 दिन बात करेंगे हम, 5 दिन के 15 दिन हो गए थे तो नहीं करो उन्होंने। कई कांग्रेसी की ये कहना रहेगा कि हमें मतलब थोड़ा 18 महीने करीब मतलब